अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबको जुमा मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हमारे आने वाले हैं कुछ स्पेशल मेहमान। वो कौन आने वाला है वो मैं आपको बताऊँगी आगे चल के इस वीडियो में। तो जी, अभी मैं उनके आने की तैयारी कर रही हूँ। घर वगैरह साफ कर दिया है सारा कुछ, और साथ में जो है वो बच्चों को भी फ्रेश कर दिया है। और खाना बनाने के लिए आज हमारी जो स्पेशल डिश होती है ना सिंध की, जिसको कहते हैं बीह, तो उनको मैंने रख दिया है बॉयल करने के लिए। वो भी बॉयल हो जाएंगे, और एक दो चीज़ें और बनानी है। मीठा मैंने ऑलरेडी सुबह बना लिया था, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि सुबह से मैं लगी हुई थी घर का सारा काम करने में। सारी अपनी सफाई की, घर की जो भी चीज़ें थी वो समेटी हैं, और बच्चों को भी अभी खाना खिला दिया है। अब नमाज़ भी पढ़ ली, अब सिर्फ मैं रहती हूँ। मैंने खाना नहीं खाया, अब मुझे खाना खाना है। जब तक पीछे से ये बीह बॉयल हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कौन से होते हैं। बहुत सारे लोग तो जानते होंगे जो सिंधी स्पीकिंग है, या स्पेशली कराची में रहने वाले भी बहुत सारे लोगों को है, बट कुछ लोग हैं मे बी वो ना जानते, उनके लिए न्यू डिश हो। तो आए जी, मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। अच्छा फ्रेंड्स, इसको मैंने वॉश करके ना, और इसकी कटिंग करके साफ़ करके इसके अंदर डाल दी है बॉयल करने के लिए, क्योंकि ये पहले बॉयल होते हैं इस तरह से। ये जैसे ये अभी मे बी क्लियर नज़र ना आ रहा हो, और तवा रख के करने से ना ये होता है कि बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो मिट्टी को साफ़ किया अच्छे से मैंने, इनको वॉश किया और कर लिया है। मैंने अपने लिए यहाँ पर जो है वो सालन भी गर्म कर लिया है गोभी का, और चावल रात वाले हैं थोड़े से, बस वो मैं खा लूँगी। फिर रात को मुझे वैसे भी सही से खाना बनाना है। और जनाब ये बैठे हुए हैं, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, आज फ्राइडे तो जल्दी आ गए थे दोनों, और आज दोनों ने सेम ड्रेसिंग की है। अच्छा सलार इधर आए, ड्रेस दिखाएँ अपना, सलार भी आ जाए, कार नहीं दिखाएं, ड्रेस दिखाएं। और चुप करके खड़े रहेंगे तो फ्रेंड्स ड्रेस देखेंगे ना आपका। तो फ्रेंड्स, इनको ये ड्रेस दिया था मेरी फ्रेंड ने, मेरे साथ ऑफिस में मेरी कलीग होती थी, तो उन्होंने इन दोनों के लिए गिफ्ट किया था ये ड्रेस दोनों को। मैंने सोचा आज फ्राइडे है तो शलवार कमीज पहना देते हैं। हाँ ये आपकी कार है, तो आज मैंने दोनों को शलवार कमीज पहनाई है सेम सेम। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने बच्चों को कारी साहब के यहाँ भेज दिया है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा बच्चे नहीं हैं तो मैं आराम से अपनी कुकिंग कर सकती हूँ, क्योंकि जो स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं वो बस थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं, तो मैं आप सबको उनके साथ मिलवाऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और आज मैं सिर्फ दो डिशेज़ बना रही हूँ। एक तो मैंने मीठा बना लिया था, उसके अलावा दो और चीज़ें बना रही हूँ। आटा भी मैंने गूंद लिया है। वैसे नॉर्मली हम रोटियाँ बाहर से लेते हैं ना, मीन्स के जब भी कोई आता है, तो वैसे तो घर में ही बनती हैं, तो आज मैं रोटियाँ भी खुद बनाऊँगी। आटा भी गूंद के रख दिया है, और कटिंग शटिंग भी कर दी है चीज़ों की। यहाँ पर ये मैंने देखी रखी है, इसके अंदर मैं बनाऊँगी बीह, और दूसरी के अंदर मैं बनाऊँगी चिकन हांडी। वाइट कढ़ाई जो बनती है ना वो बनाऊँगी मैं, बहुत इंस्टेंट सी, ईजी सी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं कुकिंग से जो है वो थोड़ा दूर भागती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी कुकिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस ठीक है, गुजारा हो जाता है। इशफाक का दिल खुश हो जाता है, मैं उसकी पसंद की चीज़ें बना लेती हूँ, या मेहमानों को सर्व कर सकती हूँ चीज़ें। तो बस उसी हिसाब से मैं आज बना रही हूँ दो चीज़ें। आप लोग देखिएगा मेरी वीडियो को एंड तक। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग मेरा आपको बहुत पसंद आएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है, इसमें कोई आपके चार्जेस नहीं लगते। तो मेरी वीडियो को लाजमी देखिए एंड तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। चलें जी आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी रेसिपी, इससे पहले कि बच्चे आएँ और वो पूरे घर में तूफान मचाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं बीह, तो इसके अंदर ऑयल ऐड कर देते हैं। पहले फ्लेम ऑन करते हैं, और इसमें डालते हैं थोड़ा सा ऑयल। बीह बनाने की रेसिपी है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा, बाद में फिर एंड में ना हम चेक कर लेंगे कि कितनी हमें नीड है। तो इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है, अब ये ऑयल गर्म हो रहा है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। आप लहसुन अदरक और सफ़ेद ज़ीरा डाल सकते हैं, मेरे पास ना सफ़ेद ज़ीरा है और ना ही अदरक है, तो मैं सिर्फ इसके अंदर ना लहसुन ऐड करूँगी। ये मैंने टोमेटो काट के रखे थे, बिल्कुल छोटी छोटी से मैंने इनको चॉप किया। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर, फ्रेंड्स आपने ना टमाटर को अच्छे से गलाना है, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है हरी मिर्ची भी अभी से चॉप करके इसके अंदर डाल सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी पसंद है।
जो नॉर्मली हम लोग स्पाइसी नहीं खाते, नॉर्मल खाते हैं मिर्चें वगैरह, क्योंकि फिर बाद में एसिडिटी हो जाती है ना, तो गैविस्कॉन पीने से बेहतर है मिर्चें कम रखें। तो इसलिए मैं इसके अंदर मिर्चें नहीं डाल रही, आप चाहें तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मसाले, जो भी बेसिक मसाले होते हैं ना, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर, रेड चिली, नमक और हल्दी, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी सी। फ्रेंड्स, चिकन हांडी बनाने के लिए ना मेरे पास ये क्यूट सी छोटी सी देगची है जिसमें सर्व करते हैं ना, ये मैंने घर में शिफ्ट होने से पहले ही ली थी मेट्रो पर, मुझे पसंद आ गई थी। मुझे इस तरह के बर्तन बहुत पसंद है, छोटे छोटे से क्यूट लगते हैं ना, तो मैं आज इसके अंदर जो है वो बनाऊँगी वाइट चिकन कढ़ाई। इसको रख देते हैं यहाँ पे, इसको भी मैंने वॉश किया हुआ है, बस अब मैं इसके अंदर भी ऑयल ऐड करती हूँ सबसे पहले। फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर जो है वो एक अनियन भी ऐड कर रही हूँ, मेरा ट्रैपॉड स्टैंड बहुत छोटा है तो मुझे बहुत मसला हो रहा है, मुझे बार बार नीचे होना पड़ रहा है ताकि मैं कैमरा में नजर रहूँ, वरना फ्रेंड्स कहेंगे ये भूत हो कब बंदी भाजी। तो उसके अंदर ये मैं ऐड कर देती हूँ अनियन, क्योंकि इससे ना ग्रेवी अच्छी बन जाएगी। इसके लिए हम यूज़ कर देंगे दूसरा स्पून। फ्रेंड्स, ये मैंने बीह बॉईल किए थे, ये लोटस रूट्स, ये फ्रेंड्स ये मैंने बॉईल किए थे, देखें आप। तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी अभी। फ्रेंड्स, ये वाइट चिकन कढ़ाई के लिए मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया है बोनलेस और विद बोन भी है हड्डी वाला थोड़ा सा, और लहसुन डाली है मैंने इसके ऊपर पेस्ट। अब इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला ताकि चिकन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत बुरा लगता है आपके खाने में से स्मेल आए, स्पेशली गोश्त और चिकन। तो ये थोड़ा सा मैं डालूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर, और इसकी मैं करूँगी अब थोड़ी सी अच्छे से इसकी मैं भुनाई कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, एक हाथ से कैमरा होल्ड करना और एक हाथ से भुनाई करना मुश्किल है, तो मैं मिलती हूँ आपसे इसकी भुनाई करने के बाद अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मेरी वाइट कढ़ाई भी रेडी हो चुकी है, बस अब इसके ऊपर मैं गार्निशिंग के लिए चीज़ें डाल दूँगी, थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरा धनिया, हरी मिर्ची, और उसके साथ ना थोड़ा सा मैं बटर भी डाल दूँगी इसके अंदर, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास कोयला हो तो इसे थोड़ा सा स्मोक दीजिएगा कोयले का, उससे तो और भी जायका जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। मैं बस कोशिश कर रही हूँ ऐसे ना हो कि मेरा दूध यहाँ से उबल जाए, तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि बस कम चीज़ें जितनी अवेलेबल है ना उनमें ही आप जो है वो चीज़ें अपनी रेडी कर लें। सुबह से जो मैं कह रही थी, तो हमारे गेस्ट आ चुके हैं, एंड हियर इट कम्स। हम आ गए जी वापस, ये हमारे आने की खुशी में दावत हो रही है। ये जो गेस्ट गेस्ट कह रही थी, ये गेस्ट में था। क्योंकि लाइट गई भी थी तो हमने ऐसे ही डिनर कर लिया कैंडल्स ऑन करके, ये ऐसे थी हरकत। कैंडल नाइट डिनर हो गया आपका, है ना, कैंडल नाइट डिनर हो गया हमारा। और फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का मीठा फुल पार्टी फ्लावर। कैसा लगा आपको वेलकम सर? बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। मजा भी आ रहा है कि 5 दिनों से मैं ऐसे खानों का इंतजार कर रहा था। क्यों आपको वहाँ पर मैस में ऐसा खाना नहीं मिलता? वहाँ पे बस फौजी दाल और फौजी रोटी मिलती है, जो आपका एक दफा खा लें तो फिर पूरा दिन आप भूख नहीं लगती। अच्छा, बहुत टेस्टी खाना बनता है। हाँ, जो कि आप तो खाते ही नहीं है, बहुत टेस्टी खाना बनता है।
तो बस जी फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का स्पेशल सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। और कुछ भी आपने हमें इंस्ट्रक्शंस देनी हो या कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, तो वो आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जी बस मिलेंगे अब इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम सबको दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस बैकग्राउंड के शोर को इग्नोर कीजिएगा। अल्लाह कैसा लगा डिनर आप सबको बताइएगा, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, आपको कैसा लगा डिनर? बाय बाय।